नमस्कार दोस्तों, जो मैकेनिक मेरे सामने एक बाइक है साइन और इसका आयल बहुत गंदा निकला है। थोड़ा सा आप दिखाइए भैया, आयल बहुत गंदा है और इसके कारण से इसमें क्लच प्लेट डाल दिया गया, लेकिन बाइक वाले कह रहे हैं कि ऐसा है, आयल वही डालिए, क्योंकि एक हफ्ता पहले इन्होंने डलवाया था आयल और कहीं पर सर्विस करवा के लाए थे और फिर कह रहे हैं वही डाल दो। लेकिन हमको जब मालूम पड़ा कि ऐसा आयल है, हमने इसको साफ़ करने के लिए, यानी ये टेक 2000 इंजन प्लस यूज करते हैं, इंजन प्लस ठीक। इसको हम कितना डालते हैं लगभग में 70 ml के लगभग में डालेंगे इसको, 70 ml डाल करके और फिर इसको हम 5 मिनट तक स्टार्ट करेंगे, तब फिर इसके बाद पूरा निकालेंगे, फिर आपको देखते हैं कितना पतला करके जितना भी कार्बन कचरा होगा सब निकल जाएगा ठीक। इसको डालिए भैया इसमें डाल करके, और इसको मेजर करने के लिए क्या है, ये एक यानी मेजर रखे हैं जिससे कि हम कितना डालना नाप करके 70 ml 70 ml तक यानी डाला जाता है, जिससे कि और थोड़ा सा बस इतना है ठीक। इसमें उसमें डाल दीजिए, उसको डाल दिया गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करिए भैया, इसको चलने देते हैं थोड़ा सा, दो तीन मिनट 7-5 मिनट तक चलने देते हैं, जिससे कि पूरे इंजन में आयल जो भी है सर्कुलेट हो जाए, और सर्कुलेट होकर के तब फिर पूरा सा आयल जो भी होगा निकाल दें ठीक। हम इसको कम से कम 3-4 मिनट तक चलने देते हैं और लगभग 4-5 मिनट तक चला करके फिर उसका निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरे मित्र उस समय से लेकर अभी तक स्टार्ट ही है और अब हम इसको 3-4 मिनट के लगभग में हो गया है और हम पेट्रोल इसका जो भी आयल डाला है सब निकाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कितना गंदा था, तो साफ हो गया कि नहीं हुआ आपको बताते हैं। जितना भी अंदर था पूरा सब यानी वो निकल जाता है, और ये जो ब्रांडेड इंजन प्लस होते हैं तो क्या होता है, पार्ट को यानी अंदर वाले पार्ट को ख़राब नहीं करने देता, कि कोई भी पार्ट को ख़राब कर देता, और ये थोड़ा सा पतला करके निकाल देता है पूरी तरह से, कि जितना कार्बन कचरा है तो भी रहे अच्छे साफ हो जाए, और जितना भी था गंदा था वो सब पूरी अच्छे तरीके से साफ हो गया। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या होता है कि इसी कंपनी का यूज करते हैं टेक 2000, तो ये बिल्कुल बेहतर लगा हमको और बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे साफ हो जाता है। अगर हम कभी भी, अभी तो इस समय ऐसे ही है, लेकिन कभी हमको टाइम लगेगा तो पहले खोल कर यानी पहले साफ करेंगे और फिर खोल करके दिखाएँगे, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना अच्छे से बेहतर तरीके से अंदर तक साफ हो जाता है। मित्र लगभग में अब आयल पूरा निकल गया है, और इसी तरीके से आप जब भी कभी प्लस करना हो तो आपको ब्रांडेड इंजन प्लस यूज करना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा वैसा इंजन प्लस यूज किया या आपने इसके अंदर पेट्रोल डाला या डीजल डाला, तो इससे क्या होता है कि स्मोकिंग प्रॉब्लम आ जाता है, कि बाइक जल्दी स्मोक कर जाती है। इसलिए आपको जब भी यूज करना है तो ब्रांडेड आप इंजन प्लस शैम्पू वाला सिस्टम यूज करिए, लेकिन कोई भी इस तरीके से नहीं यूज करिए जो कि यानी आपके इंजन को ख़राब करे ठीक। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं मेरे मित्र, ये छोटी जानकारी थी बताना चाहा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।